आपका बॉलिंग देखा आज आप लोगों का कैसा, मतलब थोड़ा सा ग्रीन था उस टाइम, डैम भी था तो देखने में ग्रीन लग रहा था, बट जैसा बिहेव आज कर रहा था वैसे ही था। थोड़ा डैम था कल, हम लोग पहले बैटिंग लिए, थोड़ा चैलेंजिंग थोड़ा सा हम जाना चाहते थे, तो आज जैसे सूखा हुआ लेकिन सूरज नहीं था, बेनिफिट है वो भी एक कि हाँ आपको जैसे देखने को मिला, कैरी हो रहा था, बाउंस भी ठीक था तो अच्छा लगा डालकर। यहाँ पर जनरली ऐसी विकेटें मिलती नहीं है, होपफुली अगर मिली तो बेनिफिट हम लोगों को काफ़ी मिलेगा इस चीज़ का, क्योंकि हमारे पास वैसे पेसर्स भी हैं और उस कॉम्बिनेशन से हम फिर खेल भी सकते हैं। तैयारी के लिहाज से ये दोनों दिन का जो खेल हुआ, खासकर आज का जो बॉलर्स के लिए अगर देखा जाए, पूरा पूरा बॉलिंग ग्रुप के लिए किस तरह से रहा आज का दिन आकर आपका? अच्छा रहा, जैसे आपने दोनों दिन देखा कि फास्ट बॉलर्स के लिए बेटर था, हेल्प था दोनों, तो आप देख सकते हैं अगर इस टाइप के विकेट आपको मिलते हैं स्पेशली जब आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, स्पेशली जब ऐसे जब विकेटें मिलती हैं तो कॉन्फिडेंस फास्ट बॉलर्स का ऊपर रहता है, क्योंकि बाउंस भी है, कैरी भी है, थोड़ा स्विंग भी हो रहा है, सीम हो रहा है, तो बहुत बैट मतलब एक कंफर्ट जोन में फील करता है फास्ट बॉलर। एज ए फास्ट बॉलर अगर आप ऐसी विकेटों पे अगर बॉल डालते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर हमें थोड़ा सा भी हेल्पफुल मिला तो हमें बहुत बेनिफिट होने तो वाला आप है। तो चाहेंगे ये ऐसे ही कंडीशंस मिले टेस्ट मैचेस में? ओबियसली कोई भी फास्ट बॉलर चाहेगा ही कि हाँ आपको थोड़ा सा हेल्पिंग विकेट मिल जाए या आपको कहीं से सीम या स्विंग मिल जाए, तो हर हर बॉलर चाहता है ऐसा कि आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिले। मतलब वाइट बॉल तो उसका अच्छा हुआ है, देखो और ये अपना एक विंड फैक्टर यहाँ पर होगा तो कितना यूजफुल होगा अगर वो। देखो यंग है, टैलेंट है उसके पास, ऐसा पेस भी है, हाइट है, बेनिफिट तो ज़रूर रहेंगे, और ऐसा नहीं है कि वो नहीं खेला है, लेकिन उसको उसका ये है कि आपको एक साथ लेकर चलना पड़ेगा एज ए यंगस्टर, और एज ए बॉलर आपको उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। जहाँ तक कंडीशंस का, जहाँ तक उसकी बॉलिंग का सवाल है, आप देखते ही आ रहे हैं अच्छी बॉल डालता आ रहा है वो, लेकिन देखो कोई भी नहीं आता है कि एकदम से आके किसी को एक्सपीरियंस हो, धीरे धीरे आता है वो, होपफुली आ जाएगा। हम भी उसको पूरा कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं क्योंकि टैलेंट है उसके पास, तो अपनी टीम के लिए, अपनी कंट्री के लिए हर कोई चाहता है कि टैलेंट को इम्प्रूव करें। समी, आपने तो बुमराह का देखा, जैसे लोग बोल रहे थे जा रहा, थोड़ा सा रिदम आने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, सब बोल रहे थे कमेंटेटर भी, तो मतलब आप साथ में बॉल कर रहे थे उसे देखने के बाद, एक प्लेयर आपने भी ऐसे फेस किया फास्ट बॉलर्स का? देखो एज ए स्पोर्ट्समैन डिफरेंट है, बाहर से बोलना बहुत ईजी है, लोगों का काम हो गया आजकल बोलना और पैसे कमाना, मैं नहीं समझता कि हाँ आप इस चीज़ को आप पर्सनली लेकर बोल सकते हैं किसी के उसमें। हर किसी स्पोर्ट्समैन को इंजरी होती है मेरे हिसाब से, कि आप उसको निगेटिव ना लें, पॉजिटिव वे में जाएं। मैं भी 2015 में इंजर्ड हुआ था, उसके बाद बाउंस किया, ठीक है, अच्छा लगता है कि आप एक टॉपिक पे बात करें, समझ में आता है कि आप उस पर बात करें ना, कि 2-4 मैच से आप रिजल्ट नहीं निकाल सकते, 2-4 मैचों से आप उसकी जो एबिलिटी है उसको आप इग्नोर नहीं मार सकते। बुमराह ने जो आपके लिए करके दिया है आप उसको कैसे भूल सकते हो या उसको कैसे आप इग्नोर मार सकते हो। तो मेरे हिसाब से पॉजिटिव में अगर पॉजिटिव जाओगे तो आपके प्लेयर्स के लिए भी अच्छा है, बच्चे के कॉन्फिडेंस के लिए भी अच्छा है, सारी चीज़ों में इम्प्रूव होता है उसमें। होम सीजन इतना अच्छा रहा, यहाँ पे आके किस टाइप का एडजस्टमेंट करना पड़ता है आपको रेड बॉल क्रिकेट में? देखो लोग तो डिफरेंट डिफरेंट नाम देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से सोचते हैं, क्योंकि अगर एक मैच किसी का ख़राब चला जाए तो मेरे हिसाब से लोगों का नज़रिया चेंज होने लगता है, तो ज़्यादा कुछ सोचना नहीं चाहिए, स्पेशली रेड बॉल हो या वाइट बॉल हो, आपको स्किल्स का पता है कि किस फॉर्मेट में आपको कैसी बॉल यूज़ करनी है, किस जगह पे आपको बॉल डालना है, काफ़ी मैच्योर्ड है, एक्सपीरियंस है सबके पास, तो मेरे हिसाब से स्पेशली रेड बॉल के हिसाब से आप ज़्यादा चेंज ना करें तो बेटर है। रेड बॉल में आप एरियाज स्पेशली जैसे यहाँ आप लास्ट टाइम जो आप रिपीट नहीं कर सकते चीज़ें, लेकिन आपको हमेशा रेड बॉल से आपको अच्छे एरियाज देखने होंगे, आप जब अच्छे एरिया में डालोगे डजेंट मैटर विकेट निकलता नहीं निकलता, लेकिन आपको रन रोक के चलना होगा, वही एक टेस्ट क्रिकेट का एक मजा है। अच्छी एरिया का बदल जाता है क्या इंडिया में और यहाँ पे कुछ? देखिए वो बाउंस के ऊपर रहता है, क्योंकि हम इंग्लैंड में खेलते हैं वो डिफरेंट बाउंस होता है, आप ऑस्ट्रेलिया खेलते हैं वो बाउंस अलग है, यहाँ पे एक बाउंस अलग है, क्योंकि पिछली बार जब आए थे आपने देखा था पाटा विकटे थी यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ पे जैसे प्रैक्टिस मैच में हम खेले हैं थोड़ा जूसी है, थोड़ा सा ग्रीन मिला है, तो वहाँ का लेंथ अलग हो जाता है, वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा उस हिसाब से। देखिए किसी भी फॉर्मेट हो, किसी भी गेम हो, किसी भी लाइन में मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है आपका, क्योंकि आप पैनिक जल्दी नहीं होते, आपको कंडीशंस का पता होता है कि आपने क्या फेस किया है, पहले भी आप फेस कर चुके होते हैं, तो मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस बहुत
वैल्यू रखता है उस जगह पे। और मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस के साथ आप जब जो यंगस्टर को लाते हैं तो आप ज्यादा जल्दी मैच्योर कर पाते हैं उसको, तो अगर आप उसको साथ लेकर चलते हैं तो मेरे हिसाब से हमारे पास भी जो यंग लड़के हैं जो हैं अभी, हम उनको कैरी करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, तो मेरे हिसाब से जल्दी से उनको ऐसा लगेगा नहीं कि हम यंगस्टर हैं या फिर सीनियर जूनियर वाली बात है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो सीरीज हुआ था उसमें थोड़ा 40 ओवर्स के बाद थोड़ा सा बॉल विकेट जो है बॉल बहुत हो जाता था, और भी माना जाता है कि जो पुराना हो जाता है उसमें विकेट लेना बहुत मुश्किल होता है, तो इसको कैसे चैलेंज के देखेंगे, स्पेशली जैसे विकेट न्यूजीलैंड में एक्सपेक्ट कर। चैलेंज तो मेरे हिसाब से आप जहाँ भी जाएंगे आपको कुछ ना कुछ नए चैलेंज मिलते हैं, नई कंडीशंस मिलती हैं, तो आपको हमेशा ये एक ऐसा स्पोर्ट्स है आपको चैलेंज के ऊपर रहना, आगे ही आना पड़ेगा, चैलेंज को सामने से फेस करना पड़ेगा तो बेटर है, क्योंकि आप व्हाइट बॉल हो, रेड हो, पिंक हो, जो भी आपको बॉल हो, आपको बस दिमाग में रखना है कि हमें किस फॉर्मेट में जाना है, उस हिसाब से एडजस्टमेंट करना होगा, और आपको फेस का ना सोच के कंडीशंस का सोच के ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए वही मैं बोल रहा हूँ ना, कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगर पाटा विकेट देते तो हो सकता है रिवर्स भी बन जाए, रुखा विकेट होगा हो सकता है जल्दी बन जाए, नहीं भी बन सकता है, लेकिन वो आपको फेस करना ही होगा क्योंकि वो कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि वो सिचुएशन क्या है हमारी, तो आपको हमेशा रेडी रहना चाहिए। टू मोर क्वेश्चन की आप बात कर रहे हैं, अगर ऐसे विकेट मिले तो काफी बार ऐसा होता है कि प्लेयर मिस बहुत होता है, तो कितना वैल्यूएबल होता है आपका एक्सपीरियंस की वो माइंडसेट। देखो टेस्ट मैच है ही पेशेंस का, आप अगर देखा जाए तो आप, मैं वही आपको बार बार जैसे रिपीट कर रहा हूँ कि कंडीशंस और एक्सपीरियंस जो है बहुत मैटर करते हैं, कि आपके पास एक्सपीरियंस है, कंडीशन कोई भी हो आप उसको मैनेज कर जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लास्ट टाइम मेरे साथ हुआ इंग्लैंड में कि आप इतना बीटन हुआ कि हाँ कि मैं सर खुजला के पागल हो गया था। सो आपको पेशेंस रखना होगा मेरे हिसाब से टेस्ट मैच में, बैटिंग हो बॉलिंग हो, मगर हाँ एक ही चीज़ कहूँगा कि आप अगर फील्डिंग एफर्ट से करते हैं तो एज ए यूनिट काफ़ी बिल्ड कर सकते हैं अपनी टीम के साथ, तो बस एक ही एरिया है जहां आपको सबको एक साथ आना होगा, और मेरे हिसाब से कंडीशन कोई भी आपको फेस करके चलना पड़ेगा। अच्छा मैं आपके सीम पोजीशन के क्रिकेट खेलने लगे थे वैसे ही ऐसा ही अपराइट था आपने क्या, हाउ मच हैव यू वर्क्ड ऑन इट, कब से ये परफेक्ट हो गए आपके मन में? सही मानों में तो डर लगता था बचपन में यार, लेकिन वही है कि जब आप देखते हैं, जब आप रीड करने लगते हैं किसी चीज़ को, एक जुनून चढ़ जाता है आदमी के ऊपर कि हाँ मुझे ये करना है, लेकिन इतना नहीं सोचा था कि हाँ सीम भी मेरी ऐसी रहेगी कभी, लेकिन जब दिमाग में आया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है तो उसके पीछे पड़ गया था, आज को बस कंट्रोल है, टच वुड अल्लाह का करम है कि हाँ जो चाहता हूँ सीम के साथ वो कर सकता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि ये चलता रहे, और हमेशा बस यही है कि आप किसी भी चीज़ को अगर अचीव करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आपको एक जुनून होना चाहिए, आपको उसके पीछे भागना ही पड़ेगा और रिपीट करना ही पड़ेगा, तब आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई भी काम मुश्किल होगा उसके बाद।